बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चने की दाल की शामी टिक्की लेके आया हूं। ये इतनी हम स्पेशल तरीके से आज बनाएंगे, ये ऊपर से इतनी क्रिस्पी होगी और अंदर से इतनी सॉफ्ट और मक्खन जैसी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। खास बात ये, ना हम अंडे का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना चिकन का इस्तेमाल करने वाले हैं, फिर हम किस तरह से बाइंडिंग करेंगे, तो बहुत ही प्यारी चीज़ आज आपको सिखाऊंगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सा एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसके अंदर जो पहली चीज़ जाएगी ये है दाल, चने की दाल। एक पाव मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले बहुत अच्छे से पहले धोई थी, फिर भिगो के रखा था। याद रखा करेंगे, दाल को जब भी, कोई भी दाल हो, जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत से केमिकल्स उन्होंने रखे होते हैं और दूसरी बात कि इसमें से एक स्मेल सी होती है जो धोने से दूर हो जाती है। ठीक है, बहुत अहम बात है, कभी भी आपने इसको इग्नोर नहीं करना। चलें जी, बॉल को करते हैं साइड पे और यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ इसमें जाएगी, नो डाउट टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये लें जी, प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और ये है हमारे पास लहसुन, लहसुन के तकरीबन 10 से 12 जवे हैं हमारे पास। और जो अदरक है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ, ये 1 टेबलस्पून भर कर है, ठीक है, कुटा हुआ। इससे क्या होगा कि जो टिक्की है उसमें एक कड़ाड़ापन आएगा, ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा यूज़ करें। अब आती है गरम मसालों की बारी, इसमें चिकन नहीं जा रहा तो इसमें हल्के से गरम मसाले जाएंगे, 1 बादियान का छोटा फूल, 3 बड़ी इलायची और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना क्योंकि दाल में इतना कोई स्मेल का इशू नहीं होता, तो ये इतना सा पीस काफ़ी होगा इसके लिए खुशबू में। चलें जी, अब इसमें सिर्फ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, जो दिखने में कम लग रहा है क्योंकि इस टिक्की में जो स्पेशल फ्लेवर होता है वो काली मिर्च का होता है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च जाएगी और हरी मिर्चें मैं एंड पे ऐड करूंगा, वो देखिएगा कितनी सारी हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक का काफ़ी होगा और हल्दी है, 1/2 टीस्पून जाएगी इसके अंदर। ये है हमारे पास जीरा, पाउडर में लेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत इसमें अच्छा नहीं लगता मुझे। और 1 टेबलस्पून भर कर हम लेंगे खुश धनिया पाउडर। अब ध्यान से देखिएगा, आपने इसके अंदर जो पानी ऐड करना है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, बस इतना है कि ये चीज़ें उसमें डूब जाएँ। दाल में भी पानी है, प्याज में भी पानी है, अगर पानी एंड पे हमारा बढ़ गया ना तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी जस्ट ऐड करेंगे इसमें, जिसमें ये डिप हो जाए। उसके बाद आपने इसको प्रेशर पे रख देना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट की सीटी काफ़ी होगी। अगर आप इसको हांडी के अंदर बनाना चाहते हैं तो तकरीबन आपको इसको 20 मिनट तक पकाना होगा। ठीक हो गया, इतने में दाल गल जाएगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हमारे जो खड़े मसाले थे, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल था, उसको हम रिमूव कर देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये हल्का सा पानी आपको जो नज़र आ रहा है ना, इसको आपने हाई फ्लेम करके यहीं पे ड्राई कर लेना, ठीक है, तो ये बहुत आसानी से ड्राई हो जाएगा क्योंकि दाल ऑलरेडी गर्म है। अब इसको जो कूटने का या पीसने का सिस्टम होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आसान तरीका क्या होता है। जब ये पानी सही से ड्राई हो जाएगा तब आपने फ्लेम को लो या ऑफ कर देना है। ये हमारे पास मदनी है, मदानी के जैसी होती है, किसी भी जो बर्तनों वाली शॉप है उससे ईजिली अवेलेबल होती है, ये आपने ज़रूर घर पर रखनी है। ये बेस्ट चीज़ होती है क्योंकि अभी यहाँ पर दाल बहुत गर्म है तो ये फ़ौरन से ही मैश हो जाएगी। ठीक हो गया, और यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से साफ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ बहुत कीमती और बहुत ही अहम होती है। चलिए जी, अब ये देखें, अभी ये नरम आपको लग रही होगी क्योंकि ये गरम है। इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में ऐड करेंगे, हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में अच्छे से ठंडी हो जाएगी और फिर इसमें थिकनेस आ जाएगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ठीक हो गया, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ने इसको फैला दिया है और इसको देना है स्टे। अब याद रखिएगा, मैंने अभी तक कोई भी इसमें हरा मसाला ऐड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैं आपको अभी बताता हूँ। खूबसूरत सा बॉल लेंगे, उसमें इसको हम ऐड कर देंगे। अब हरी मिर्ची और जो धनिया होता है ना, इसकी फ्रेशनेस जो है वो बहुत अहम होती है, खासकर इन कबाब के अंदर, तो इसलिए हम उसको एंड पे ऐड करते हैं कि कुकर में या हांडी के अंदर जब हम दाल को बना रहे हैं तो उनकी जो खुशबू होती है वो चली ना जाए। ठीक हो गया, चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा लाल हरी मिर्च कटी हुई बिल्कुल फ्रेश। इसका फ्लेवर और खुशबू कह लें कबाब को, शामी कबाब को 4 चांद लगाता है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ताकि फ्लेवर अच्छा निकले। हरा धनिया ऐड कर देंगे, 2-2 टेबलस्पून ये इसमें काफ़ी होंगे। अब हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स करना है। बात आ जाती है बाइंडिंग की, इसमें आप हाफ अंडा ऐड कर सकते हैं, उससे भी बाइंडिंग हो जाएगी, लेकिन हम अंडा यूज़ नहीं करने वाले। इसको अंडे में डिप करके भी आप ब्रेड क्रम्स लगा के या ब्रेड क्रम्स के बगैर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर अंडा ब्रेड क्रम्स के बगैर हो तो वो बहुत अजीब सी शक्ल निकलती है, उसकी
शामी कबाब की और लोगों के पास ब्रेड क्रम्स होते नहीं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हाथों को साफ करके धो के ग्रीस कर लेना, उसके बाद आपने इसको इस डो को, इस बैटर को एक डो बॉल सा बना के आपने इसको टिक्की की शेप दे देनी है। अब आपने क्या करना है, ये देखें खूबसूरत सा आपने इसको देखें, जब भी ये काम किया करें ना, खूबसूरती का आपने खास ख्याल रखना है, इससे आपकी महारत का अंदाज़ा होता है। सिंपल बेसन है, इसके अंदर कोई नमक कोई चीज़ कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने इसको अच्छे से छान लेना है। इस टिक्की को जिसके ऊपर ऑलरेडी मॉइस्चर है, नमी है, इसके अंदर जब आप डिप करेंगे ना, तो देखिएगा ये कितनी आसानी से इसके ऊपर चिपक जाएगा। यही बाइंडिंग का काम करेगा, यही इसको क्रिस्पी करेगा, यही इसको खूबसूरत रखेगा। चलते हैं कढ़ाई की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है और यहाँ पे टिक्की को आपने फ्राई कर लेना है। याद रखिएगा क्योंकि टिक्की अंदर से ऑलरेडी डन है, आपने जस्ट उसको ऊपर से एक कह लें कि फ्राई का टच देना ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। बारीक सा ऊपर बेसन है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, आपने जल्दी से इनको पलट लेना है और देखिएगा माशाल्लाह से ये दोनों साइड से कितनी खूबसूरती से क्रिस्पी हो जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये आप अंडे में डिप करके, जैसे मैंने बताया था, फिर भी कर सकते हैं, अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स के साथ भी कर सकते हैं। तो आप सभी तरह से इसको ट्राई कीजिएगा, जैसे आपको बेस्ट लगे। नई चीज़ थी सो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमते नेमते और बढ़ते जुदी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो मेरे प्यार परसो शामी कबाब की रेसिपीज के लिए, चिकन शामी रेसिपी के लिए और सिंपल दाल की टिक्कियों की रेसिपी के लिए, चिकन रेसिपीज के लिए, बिरयानी रेसिपी के लिए, पुलाव रेसिपी के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज के लिए, यम्मी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।